कोटा को हरा भरा बनाने के लिए लगातार अब पेड़ पौधे लगाने शुरू हो गए हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पार्क विभाग द्वारा जो है पटना के तमाम उन इलाकों में जहां पर ओवरब्रिज है उसके नीचे आए दिन यहां पर स्ट्रीट वेंडरों का कब्जा रहा करता था, लेकिन अब सरकार के तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जितने भी ओवरब्रिज है पटना में उसके नीचे अब ना तो पार्किंग होगी और ना ही स्ट्रीट वेंडरों का कब्जा होगा। इसके लिए नगर निगम के द्वारा और जो है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के पार्क प्रमंडलीय द्वारा ये फैसला लिया गया है कि तमाम ओवरब्रिज पुल के नीचे जो है अब यहाँ पर हरे भरे नजर आएंगे, पेड़ पौधे लगे आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में ही गर्मी पड़ा था जिससे लोगों को काफी कठिनाइयां हुई थी और देखने को मिल रहा था कि तापमान जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही थी जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, अब जो है काम तेजी से चल रहा है। 2 महीने के अंदर जो है पर्यावरण विभाग के द्वारा जो है पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जो है 2 महीने में इस कार्य को पूरा करना है और पटना के राजा बाजार ओवर ब्रिज पुल के नीचे जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं का कब्जा था, जो पार्किंग जोन बनाया गया था वो सभी अब हटा दिए गए हैं। अब तो यहाँ पर पेड़ पौधे लगेंगे और सभी जगहों पर हरियाली देखने को मिलेगी जिससे जो है लोगों को जो है काफी फायदा होगा, प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। और खास तौर पर बात करें तो देखिए वन विभाग पटना पार्क प्रमंडल को ये काम मिला है और काम बहुत तेजी से चलने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। और देखिए जो पटना का ओवर ब्रिज पुल है नेहरू पथ का बेली रोड का, उस पुल के नीचे काम तेजी से चल रहे हैं, चारों ओर बाउंड्रियां की जा रही है, उसके आगे रड लगाए जाएंगे और इसके अंदर जो है पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिससे काफी हरियाली भरा देखने को मिलेगा। कुछ आम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे देखते हैं यहाँ पर काम किस चीज का चल रहा है, पता है बाउंड्री का लगता है कि पेड़ पौधे लगाने से सब ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। देखिए काम बहुत तेजी से चल रहा है और कितने दिनों में काम कितना दिन में करके साल भर लग ही जाएगा, विभाग के तरफ से कहा जा रहा है कि 2 महीने में पूरा कर लिया ठेकेदार। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कितना तेजी से काम चल रहा है। बहुत तेजी से काम चलते दिनों पूरा सोच रहे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पूरा कर दें। क्या होगा, पौधा लगेगा, कितने नहीं रहेगा, देखिए जैक्शन पर जिस तरह से लगवाए उसी तरह से इधर भी लगेगा। स्मार्ट सिटी के कार्ड की तरह से हम लोग पटना पार्क प्रखंड की तरफ से हम लोग स्वच्छ भारत के प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए हम लोग कर रहे हैं कार्ड। जो स्ट्रीट वेंडर हैं यहाँ पे दुकान उकान लगाते थे उस सब के लिए अलग से सरकार व्यवस्था करेगी करेगी। हुआ बिट्टू कुमार, हम यह काम के लिए देख रेख करते हैं, नहीं ठीक है देख रेख करते हैं, देख रेख में चल रही है और बहुत तेजी से चल रहा है। तो पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और जो है पटना को हरा भरा देखने जो है बनाने के लिए इस तरह के काम जो है वो तेजी से चल रहे हैं। ये पटना का बेली रोड नेहरू पथ का ओवर ब्रिज है जो 2 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और अब जो है इसके अंदर जो दुकानदार थे वो अब यहाँ पर दुकान ना लगाकर अब यहाँ पर हरा भरा देखने को मिलेगा। अब दुकानदार से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको इससे कितना फायदा और नुकसान होगा। क्या चीज़ का काम चल रहा है, पौधा लगेगा, फायदा तो होगा वातावरण में, प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन छोटे दुकानदार है वो कहाँ जाए, वो तो सोचना चाहिए सरकार को भी थोड़ा सा, उसके लिए जगह देना चाहिए। लेकिन ऐसा पहले ओवर ब्रिज के नीचे ओवर ब्रिज के नीचे कुछ दुकान लगती थी, लेकिन अब तो लगेगी नहीं, पौधा लगेगा यहाँ से। फायदा होगा, पौधा तो जितना फायदा होगा उतना नुकसान भी होगा, मतलब आम गरीबों के लिए जो दुकान लगाते थे उनके लिए नुकसान भी होगा और पौधा लगेगा तो मतलब कुछ फायदा भी होगा, हरा भरा हाँ दिखेगा। भाई साहब है उनसे भी हम जानते हैं, कोई फायदा नहीं होता, यहाँ रुपया लगवा नहीं करा था, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा इसका नहीं होना चाहिए, परेशानी हो जाए, आदमी को परेशानी हो जाएगा सर, गाड़ी पार्किंग करेगा कहाँ, लोग इतना ट्रैफिक जाम है और जाम लगेगा सर, उसमें
और जाम लगेगा सर, बहुत ज्यादा जाम लगेगा। छोटे दुकानदार को तो बहुत दिक्कत हो गया सर। हम भी पुल के नीचे काम करते, यहाँ काम करते, मेरा मोटा दुकान है, यही काम करते, पुल के नीचे किया, बहुत परेशानी हो गया सर। सरकार का जो फैसला है वो सही नहीं, एकदम सही नहीं है सर, फैसला कर रोक रोक लगना चाहिए सर। देखिए लोगों की अलग अलग, लोगों की अलग अलग विचार है और लोग उसे जानते हैं, कितना फायदा होगा पेड़ पौधा? फायदा कुछ नहीं होगा सर, पार्किंग का दिक्कत होने लगेगा, पार्किंग का दिक्कत। लेकिन जो छोटे दुकानदार थे उनकी भी, हाँ उनकी भी समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन लगातार जो है स्ट्रीट वेंडर जो दुकान लगाते थे, अब उन्हें सड़क से हटाना, ये नगर आयुक्त की तरफ से लगातार इस तरह के काम, इसके लिए क्या कहेंगे, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा है, ठेला वाला को भी प्रॉब्लम हो रहा है, नगर निगम बार बार आकर परेशान कर रहा है, और क्या परेशान कर रहा है, क्या कहेंगे? पेड़ पौधा लगाने से लोगों को कितना सही भी है, लेकिन गाड़ी पार्किंग की दिक्कत भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठेला वाला के भी, मेरे कुछ लोग तो पहले नीचे लगाते थे, खाते थे, पीते थे, क्या कर लगाते हवा। ये पेड़ पौधा लगने से फायदा नहीं है, फायदा है, साफ सुथरा रहेगा, गंदगी जगह पर फायदा है, पार्क पूरा पटना में तो पार्किंग बना दिया है, इधर आस पास में जहाँ जहाँ देखे सब जगह पार्क है, चिड़ियाघर इधर इधर पेड़ पौधा ही है, अब पार्किंग के स्थल पर आप पार्क बनाइएगा तो वो अच्छा नहीं ना है, यहाँ पार्किंग का स्टैंड है, ठीक लगेगा देखने में, थोड़ा अच्छा लगेगा, स्मार्ट। कुछ लोगों की राय अलग अलग है और काम बहुत तेजी से चल रहा है, कहा जा रहा है कि 2 महीने में इसे कार्य को पूरा किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है मिट्टी भराई की भी काम होगी और उसके बाद इसके अंदर जो है हजारों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए गए जिससे काफी फायदा होगा। लेकिन जो पार्किंग जोन था वो कहीं ना कहीं पार्किंग जोन खत्म हो जाएगा, स्ट्रीट वेंडरों के दुकानें जो है छोटी छोटी वो भी अब सड़क के किनारे से हट जाएंगी और जो पेड़ लगेंगे तो जो ओवर ब्रिज के नीचे आए दिन जो दुकानें लगाते थे स्ट्रीट वेंडर, उनके लिए भी समस्या का जो है उत्पन्न हो सकती है, जिसके वजह से दुकानदार भी काफी नाराज हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियां भी हो रही है। तो ऐसे में काम बहुत तेजी से चल रहा है और करीबन ये 2 किलोमीटर का ओवरब्रिज पुल है जो इस पुल के नीचे पूरे नेहरू पथ में वेली रोड में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिससे लोगों को काफी हरियाली से फायदा मिलेगा, ऑक्सीजन की जो कमियां होती है वो पूरे पेड़ पौधे के द्वारा की जाएगी, तो इससे काफी फायदा भी होगा। लेकिन कुछ जो छोटे दुकानदार हैं उनको काफी कठिनाइयां हो रही हैं, कुछ और भी छोटे दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इससे कितना फायदा होगा, जो दुकान लगाते हैं उनसे भी हम जानेंगे, सभी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस कार्य से जो सरकार के जो फैसले हैं उससे कितना वो खुश हैं और कितना नाराज हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी होगी तो जो छोटे दुकानदार हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, उन्हें परेशानियां होंगी, जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि ये जो है ओवर ब्रिज के नीचे जो पेड़ पौधे लग रहे हैं उससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को। कितना दिक्कत, बहुत दिक्कत हो रहा है, हट गया है, परेशानी हो रही है, गाड़ी वाड़ी भी लगता था, गाड़ी उड़ी लगता था, कभी बारिश से तो था, ठेला वाला लगा दिया अपना आराम रहता था, दिक्कत होगा थोड़ा यही होगा। देखिए अब बहुत सारी समस्याएं होंगी और ये समस्या का समाधान सरकार को ही करना होगा, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर जो सड़क के किनारे आए दिन जो दुकानें लगाते हैं, पुल के नीचे दुकानें लगाते हैं, अगर बारिश होने लगती थी तो पेड़ के नीचे वो छिप ओवर ब्रिज के नीचे छिप जाते थे, लेकिन अब जब पेड़ पौधे लग जाएंगे और पटना स्मार्ट दिखने लगेगा तो छोटे दुकानदारों को थोड़ी समस्या जरूर होगी, लेकिन इससे फायदा भी लोगों को काफी होगा, पटनावासी को, क्योंकि पटना स्मार्ट दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि पटना स्मार्ट सिटी के अंदर आएगा और पटना स्मार्ट दिखेगा और हरियाली पूरे पटना में देखने को मिलेगी, क्योंकि नेहरू पथ में पटना के बेली रोड में शेखपुरा मोड़ से लेकर जगदेव पथ तक एक भी पेड़ पौधे सही तरीके से नहीं है, जिसके वजह से लोगों को काफी कठिनाइयां होती हैं और गर्मी जिस तरीके से पटना पूरे बिहार में पड़ रहा था, ये सबसे बड़ी समस्या पेड़ पौधों की वजह से हो रही थी, पेड़ पौधे रहते तो लोगों को इतनी गर्मी से परेशानियां नहीं होती।
अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।